हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो रात के 9:10 हो गए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ है और हमारे घर पे कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेला हूँ और आज जा रहा हूँ मैक्रोनी बनाने के लिए। तो आप सब लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा और आप सभी को मैक्रोनी नहीं बनाना आता है तो आप सभी को आज के वीडियो में सिखाने वाला हूँ और आज से आप भी सीख जाओगे मैक्रोनी बनाना। तो चलो मैक्रोनी बनाते हैं और उसकी रेसिपी दिखाते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फाइनली पहले गैस को जला लेते हैं। फाइनली गैस जलना स्टार्ट हो गया। कढ़ाई में डाल देते हैं तेल और प्याज और मिर्च मैंने पहले ही काट के रखा था इसमें, और मैंने तेल भी डाल दिया फाइनली। और इसको जब तक भूजेंगे कि ये लाल ना हो जाए। तो गाइस, आज से आप भी मैक्रोनी बनाना सीख जाओगे। सो फाइनली देख सकते हो ये मसाला अभी लाल हो रहा है, जो प्याज डाला था और मिर्चा डाला था ये हल्का भूरा कलर होने लगा। देख सकते हो ये साइड में पकने लगा, तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए और पकने देते हैं, बराबर से पक जाएगा। फाइनली गाइस, मसाला पक गया है और इसमें जो मसाले मैंने पुड़िया का लिया हूँ, पैकेट वाला मसाला लिया हूँ, ये गोल्डी का है, और इसको डाल देते हैं। मैं एक पुड़िया डाला हूँ। तो देख सकते हो अभी हमारा मसाला भी भूजने लगा है। ये देखो मसाला भी हमारा भूज गया, और इसमें अभी हम डाल रहे हैं टमाटर जो मैंने पहले से ही काट के रखा था, तो टमाटर को भी मैंने डाल दिया। गाइस, टमाटर को जल्दी पकने के लिए या गलने के लिए इसमें हम स्वाद अनुसार नमक भी डाल देते हैं। पहले से मैं नमक डाल देता हूँ और ये टमाटर अभी जल्दी से गल जाएगा। और एक चीज़ भूल गया था, सॉरी दोस्तों, तो आप सभी को बता रहा हूँ, इसमें हल्दी भी थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ। हल्दी भी डाल दिया और इसको अभी थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। सो गाइस, अभी देख सकते हो हमारा टमाटर धीरे धीरे गलने लगा है। सो गाइस, फाइनली टमाटर गल चुका, पूरा एकदम बराबर से गल चुका है। और इसमें हम डालने वाले हैं, हमारे पास केचप है, टमाटर केचप, इसको डालने वाले हैं। इससे हमको अच्छा लगता है और आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप केचप मत डालिएगा, वैसे ही बना लीजिएगा सादा। इसके बाद मैक्रोनी डाल दीजिएगा। तो इसको अभी केचप डाल दिया हो ना, तो थोड़ी देर इसको पकने देते हैं। देख सकते हो ऐसा मसाला वाला चटनी मिल जाए ना रोटी के साथ, मज़ा आ जाएगा। सो गाइस, इसमें केचप डालने के बाद हम जो मैक्रोनी पहले से बॉयल करके रखे थे तो उसको भी यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो हम इतना मैक्रोनी बनाने वाले हैं जो कि मैं अकेला हूँ इसीलिए। फाइनली गाइस, देख सकते हो हम अपना मैक्रोनी को जो उबाल के रखे थे उसको भी डाल दिए, और इसको अभी इसको बराबर से ऐसे ऐसे करके इसमें मिला देंगे। और ये मैक्रोनी बहुत स्वादिष्ट होएगा, आप केचप डाल के एक बार बनाइएगा ज़रूर और सबको खिलाइएगा ज़रूर। सो गाइस, देख सकते हो फाइनली हमारी मैक्रोनी बनके तैयार हो गई। कि जितने चीज़ें डाले मैंने आप सभी को सारी चीज़ें बताए, और इसको गैस को बंद कर देते हैं। फाइनली हमारा मैगी बनके तैयार हो गया है, तो आप सभी को खाना होगा तो मेरे घर पे आपको आना पड़ेगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो आप सब लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो चलो इसको अभी प्लेट में निकालते हैं, फिर खाते हैं और आप सभी को भी खिलाते हैं।
तो फाइनली गाइस इसको खाते हैं जो बना के लाए हैं, खा लेते हैं फटाफट, टाइम भी हो रहा है, 10 बजने वाले हैं। पहले आप सब लोग खा लीजिए वरना आप बोलोगे मुझे नहीं खिलाए युवराज भाई, और पहले आप ही खा लिए। तो चलो पहले आप सब लोग खा लो, आ करो आ लो, खा लो प्यार से खा लो। तो चलो गाइस अभी हम खाते हैं, हमें आशा है कि आप सब लोगों ने खा लिया होगा। तो चलो खाते हैं। वाओ गाइस एकदम नेक्स्ट लेवल बना है यार, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा मैक्रोनी बनाया है। सो गाइस मैंने खा के ख़त्म कर दिया, और फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप सभी लोग को कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि मेरा पेपर चल रहा है, इसीलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। पेपर ख़त्म हो जाने के बाद मैं रेगुलर वीडियो आप सभी को दूंगा। तो चलो अपना वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।